कौशाम्बी जिले के सरायकल थाना क्षेत्र के नंदा का पूरा बालू घाट पर बालू कारोबारी और ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल हुआ। नाव से बालू निकालने का विरोध कर रहे कारोबारियों ने ग्रामीणों पर कई राउंड गोलियां चलाई। गोली चलने से घाट पर दहशत का माहौल रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि निंदा का पूर्वा गांव के ग्रामीण नाव से बालू निकालकर बेचते हैं। इसका विरोध प्रयागराज और कौशाम्बी के बालू कारोबारी हमेशा से करते आ रहे हैं। आज जब मजदूर नाव से बालू निकालने जा रहे थे, तभी प्रयागराज के प्रतापपुर घाट के बालू कारोबारियों ने मजदूरों पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली किसी मजदूर को नहीं लगी। इस पे बालू है, बालू लादने नाविक गए थे तो नाविकों पर बालू माफिया गोली चलाए और मजदूर किसी तरह जान बचाकर भाग गया। और ये नंदकपुरवा के घाट के जो पट्टे धारक हैं, ये नाव से बालू नहीं गिराने देते। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी क्या करे, कैसे अपने मतलब जीवन चलाने के लिए, कैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए नाव से खनन करे। और ये प्रतापपुर से बालू माफिया लोग हैं, आए दिन ऐसे गरीबों पर गोली बंदूक चलाते रहते हैं। कई राउंड गोली चली है आज? ये 4-6 राउंड चली है सर। गरीब आदमी बच गए हैं, पुलिस प्रशासन भी आई। क्या नाम है आपका? भैया निशा। यहाँ के बालू जो लादा थे बच्चा लोग वोट मानी तो प्रतापपुर वाले खदेर खदेर गोली चलावा थे तो भागा थे। अब का खाए का ना खाए, अब भाग जाए। अब ये देख लिया कि अब खेती बारी सब साड़ा चल रहे थे, आए मैं बाढ़ के साड़ा ला रहे थे मैं, तब कहाँ जाए बताओ। आज गोली चली थी क्या यहाँ पे? आज जी गोली चली थी, प्रतापपुर वाले चला नहीं, भाग नहीं करे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञानपति।